नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के असम से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं और उनके साथ कुमारी सैलजा भी मंच शेयर कर रही हैं। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा है कि अभी मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत असम से कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनाव रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की है जिसने दो दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। उधर केंद्र सरकार में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पलवल पहुंचकर सभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 10 वर्षों में सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। हरियाणा प्रदेश में अब की बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भाषा सभी समुदाय के लोगों को नीचा दिखाने की रही है। जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही थी जिससे समाज का अपमान हुआ था। आज इस समय किसी को मंत्री या किसी को हफ्ता देना पड़ता है क्या किसी दुकानदार को? हिम्मत ही नहीं किसी की। सबको लगता है कि भरे भरे जाएंगे, दबोचे जाएंगे। बड़ों बड़ों को तो मोदी जी ने नस डाल दी, बड़ों बड़ों को तो उन्होंने काबू कर लिया, छोटे मोटे हम ठहरने नहीं देते। हमने ये जो धौल कपड़े हैं जो सरकार के उस समय के एजेंट होते थे, दलाल होते थे, इनके कपड़े उठा करके सूर्य पर टंगवा दिए भाई। चुनाव किसी को एमएलए मंत्री बनाने का चुनाव नहीं, ये पलवल के भविष्य का और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको, माननीय केंद्रीय विकास शहरी विकास मंत्री हमारे यहां पर बैठे हुए भारत सरकार के, इस मंत्रालय की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो सबसे ज्यादा पलवल को है, क्योंकि आने वाले समय पर पलवल ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जहां पर केएमपी केजीपी बॉम्बे एक्सप्रेस वे रेल कॉरिडोर हमारे बीच संकुचित समय पर आने वाले हैं। उनका पलवल आगमन का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में चर्चा चल रही है कि होने की सीट में क्या होगा। वहां पर हमारे सामने होडल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उदयराम जी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि हम होडल की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की बोली में डालने का काम कर रहे हैं। और मैं आप अपने बुजुर्गों से, पलवल वासियों से, पंजाबी सभा के सम्मानित उधर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंद्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी और अब तक किसी भी दल ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी और कांग्रेस दो दो बार सरकार बनाकर अब तक बराबरी पर है। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप केंद्र के चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने एक बार नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। वो तो ठीक है, जहां क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस जितने की सुनिश्चित कर रहा है। मैंने ठगों का एक एग्जांपल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए ये सावधानी करना और कराना बहुत जरूरी है। पहले योगी आए थे और तब राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि ना नॉर्मन तैयार होगा ना नौरथा नाचेगी। जहां तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं।
उधर हिसार के बरवाला विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर हरियाणा के बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि बरवाला से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर जो है उनका स्वागत किया और विजय संकल्प रैली में बरवाला में आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थिति जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम हरियाणा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को MSP गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। ये यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉनस्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। मैनेजमेंट सिस्टम प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू पेपर मेकिंग एस इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रांडेड पेपर्स, फाइन पेपर्स एंड पैकेजिंग ब्रॉड सेगमेंट्स, फोकस्ड ऑन कस्टमर्स इन ऑल आवर ऑपरेशंस। हेंस एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स आर मेड टुवर्ड्स पीपल एंड पीपल प्रैक्टिसेस। KRPL वर्ल्ड लीडिंग इको फ्रेंडली पेपर फ्रॉम एग्रो रेजिड्यू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार बनानी है। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान बड़े मुद्दे हैं और बीजेपी के 3 काले कृषि कानून लागू करने की कोशिश की थी लेकिन विरोध के चलते वापस लिए गए। पूरे सबाब पर है, लोगों ने मन बना लिया है, पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई है और इस बीच में ये जो चुनाव हैं इसमें कांग्रेस ने 7 गारंटी के साथ घोषणा पत्र भी लाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र खट्टर साहब 9.5 साल सरकार में रहे, जिसकी तस्वीर अब हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर। उधर बहादुरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून की पत्नी शबनम जून ने भी अब पति के प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि शबनम जून ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसान, कमेरे और महिला कर्मचारी सहित हर वर्ग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। बीजेपी सरकार की गरीबी विरुद्ध जो नीतियां हैं उनके चलते जहां बेरोजगारी बढ़ रही है वहीं घपले घोटालों का राज चल रहा है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है और पोर्टल और फैमिली आईडी के नाम पर जनता को बीजेपी सरकार परेशान किया है। बता दें कि शबनम ने सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि विकास के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता है और विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हलके का विकास और रोजगार की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। हाँ।
आज हम वार्ड 13 में आए के लिए और हमारी 10 मीटिंग थी यहाँ पे, काफी सारी महिलाएं इकट्ठी थी हर जगह पे और काफी बहुत अच्छा स्वागत उन्होंने किया मेरा। कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे जो जिनकी उन्होंने जिक्र किया हमारे से, लेकिन यहाँ के जितने भी काम है पहले भी विधायक जी ने अपने टाइम पे करवाए हुए थे, जो गलियां वगैरह सारी उन्हीं के टाइम की बनी हुई है, सारे सिवर और ये कॉलोनी पक्की उसी टाइम पे हुई थी, उसके बाद से यहाँ पे कोई काम नहीं हुए। लेकिन अभी सरकार जब आएगी तो हम सारे काम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जो जो इनकी समस्या है सारी दूर करेंगे। किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे लोग खुश होके, मतलब उनके चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि भी वो बड़े खुश हैं और आके गले मिलते हैं और कहते हैं जी हम तो आपके हैं और आप ही को वोट करेंगे और हमेशा आप ही को करते आए। तो जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 100% जीत हमारी है और कांग्रेस पार्टी की। उधर बाडरा हलके से इनेलो बसपा प्रत्याशी विजय पंचगावा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव भाड़वा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और गांव भाड़वा में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और बाइक रैली के साथ विजय पंचगावा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विजय पंचगावा ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन चौधरी देवीलाल और कांशीराम की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन यहां पर मिल रहा है। रैली थी वहाँ लाखों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, उसके बाद पूरा हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा मोकला हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मायावती जी जो बात कह के गई थी उसके बाद आज आप देख रहे हो हमारे भांडवा गांव, ये हमारा पतगामा और भांडवा एक ही गांव और हमारा ये गांव पैतृक गांव है भांडवा। आज हमारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सारे बुजुर्ग भांडवा गांव के आशीर्वाद देने के लिए आपके अंदर यहाँ इस हाल में पहुंचे हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके सरपंच कृष्ण जी, सतीश चेयरमैन जी और जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है, और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब आपकी अपनी सरकार बनेगी 5 तारीख को जब ये चश्मा का बटन दबाएंगे तो उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन और हमारी जो ओल्ड पेंशन उसको बहाल किया जाएगा। उधर बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून का प्रचार अभियान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल राजेश जून जहां भी जाते हैं वहां उनके स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। इसी कड़ी में राजेश जून धर्म विहार के मंगल बाजार चौक पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों के साथ राजेश जून ने बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति भी बनाई। गौरतलब है कि राजेश जून 29 सितंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास से शुरू होगा। इसको लेकर राजेश जून ने कहा कि उनके साथ टिकट में धोखा हुआ, इसलिए लोग उस धोखे का बदला लेने के लिए उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि बहादुरपुर के लोगों को पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम विधायक चाहिए और वो फुल टाइम लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। रोजमर्रा की तरह हमारी टीम सुबह जो ऑफिस में पहुंच जाती है, सुबह फिर हम कुछ आदमी अपने अपने अनुसार कॉलोनी में गांव में निकल जाते हैं, कुछ आदमी मेरे साथ निकल जाते हैं, कुछ आदमी ऑफिस में रखे रहते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज भी हमारी ये सारी टीम आज सुबह इकट्ठी होकर के हमने आगे की रणनीति की बात करी है और आप देख ही रहे हो कि जितने हमारे ऑफिस में जितने मेरे साथी इकट्ठे सुबह होते हैं, जितने इस बहादुरगढ़ में बाकी सभी प्रत्याशियों को आप जोड़ दो तो उनसे भी ज्यादा है। मैं अकेला राजेश जून इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ हजारों आदमी राजेश जून इलेक्शन लड़ रहे हैं, हजारों आदमी राजेश जून बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है धोखा विश्वासघात जो मेरे साथ हुआ है, लोगों ने उस बात का जलन है, लोगों ने दुख है। राजेंद्र जून ने जहाँ पंचायती एक फैसला किया था उस पर जो राजेंद्र जून फिर गए, उसके साथ जो राजेश जून के साथ धोखा दिया है लोगों ने वो मंजूर नहीं किया, क्योंकि धोखा देने वाले आदमी के साथ धोखा देने वाले आदमी को हम अपना मुखिया नहीं बना सकते। जिस बेचारे के साथ धोखा हुआ है लोगों ने उसका साथ देने का मन बना लिया है। और दूसरा
कैंडिडेटों में लोग ये देखना चाहते हैं, देख चुके हैं, लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो फुल टाइम एमएलए हो, पार्ट टाइम की जरूरत नहीं है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉनस्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। फाइन पेपर्स एंड पैकेजिंग ब्रॉड सेगमेंट्स फोकस्ड ऑन कस्टमर्स इन ऑल आवर ऑपरेशंस, हेंस एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स आर मेड टुवर्ड्स पीपल एंड पीपल प्रैक्टिसेस। KRPL World's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद की एक नंबर मार्केट में पोस्टर बैनर बनाने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं के पोस्टर बैनरों को प्रशासन की टीम ने जब्त किया है। आपको बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि उनको बीजेपी नेता और प्रशासन परेशान करने का काम कर रहा है। दुकानों को प्रशासन की इस कार्यवाही से दुकानदारों में नाराजगी है और दुकानदारों का कहना है कि उनको सभी तरह के बिल और पेपर दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनके बैनर और पोस्टरों को फाड़ दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। देखो जी, कार्यवाही के पीछे की जो वजह मानी जा रही है, ये बीजेपी सरकार की बौखलाहट दिखाई जा रही है। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक दुकानदार व्यापारी अगर काम कर रहा है तो काम करना कोई अपराध की स्थिति में नहीं माना जाना चाहिए, और इन्होंने तो दुकानदार को उस अपराध में बैठा दिया है जैसे पता नहीं कितने बड़े अपराधी हों। तो ये साफ तौर बीजेपी की हार का कारण दिखाई दे रहा है, उनकी बौखलाहट दिखाई दे ही जा रही है। नहीं तो आप जाके देखिए किसी और ब्लॉकों में, वहां पर भी दिनेश अक्का जी के बोर्ड लगे हुए हैं। आए थे, उन्होंने इनकी जांच करी थी दुकानों के पास, वहां पे जाके इंसेंट पेपर वगैरह मांगे, शायद मिले नहीं, इस वजह से उन्होंने बोला है कि उन सबको वहां से मिले। लोडिंग अनलोडिंग में हमारे लोग काम तो है नहीं, लोडिंग में एक या दो वोट पड़ सकते हैं, सारे दुकान के अंदर भी वोट पड़े हैं, उसकी परमिशन दुकान के अंदर घुस के वोट फाड़े गए हैं, लेट वालों के वोट लोडिंग में पड़े हैं, उसके अलावा दुकान आदमी है उसको आप डिटेन करके रखा हुआ है। आपने क्या से क्यों परेशान कर रहे हैं इस तरह से? आप कह रहे हैं बोर्ड सुनिए, आप ये बोर्ड आपने साथ हुआ कुछ आप बिल तो देखोगे उसके, आप बिठा थोड़ी ना सकते, आप नोटिस दो किसी को ऐसे थोड़ी बिठा लोगे, ऐसे कैसे बिठा, रिटेन कर लिया, इलीगल डिटेन कर रखा है, डिटेन बिठा रखा है। अब इन्होंने क्या स्कीम बनाई है, यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है उनको उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्लैक बोर्ड छाप रहे हैं, मेरे से पूछे थे, मेरे प्रेस भी चेक कर रहे हैं, बिना बिल के छाप रहे हो क्या? नहीं, बिल से छाप रहे हैं। अच्छा, फिर रेस्ट भी छाप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिल नहीं दिखा पाए आप, क्या बिल दिखाए आपने इनको? बिल क्या हो रहा है, बिल जॉब वाला क्या बिल दिखाएंगे? जॉब वर्क होगा उसका तो कोई बिल ही नहीं होगा ना भाई, मजदूर आदमी मजदूरी करेगा ना भाई, मजदूर आदमी कहाँ से जीएसटी भरेगा? सबसे बड़ी कारण ये मेन चीज है, जो बोर्ड बन रहे हैं इनके बिल दिखा रहे हैं सब, इनके पास बिल है, बुक है। उधर हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही आयुष्मान भारत योजना के तहत पंचकुला में कार्यरत डिप्टी सीईओ डॉक्टर रवि विमल को टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पताल का निलंबन रद्द करने के बदले में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई थी। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को इस बारे में शिकायत मिली, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वो करनाल जिले में अपना निजी अस्पताल चलाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है उसके अस्पताल की सूचीबद्धता के सस्पेंशन को रद्द करने के बदले आरोपी की तरफ से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिस शिकायतकर्ता ने बताया कि 5 लाख की राशि पर जो है बात फाइनल हुई। उधर गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक और थ्री व्हीलर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों का
रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने अज्ञात थ्री व्हीलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद थ्री व्हीलर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, डेड बॉडी को पहुंचा दिया लल्लड़ हॉस्पिटल जी, और ऑटो और मोटरसाइकिल का ये एक्सीडेंट था और जाम को खुलवा दिया। अभी बाकी कार्रवाई पुलिस आगे करेगी। जब तक क्या नाम है, कहां का बताया गया है? का नाम है जी अरशद सनौत अतः मोहम्मद गांव दियाना, मोबाइल नंबर इतना है। ये अलवर रोड है माला, ये मरोड़ा से पहले एक्सीडेंट हुआ एचपी का पंप के सामने। ये तेल निकल रहा था, टिपाइया इधर से आ रहा था, तो जो दिहाड़ा वाला लड़का था हर से तो उसकी तो डेट आई हो गई, वो टिपाइया वाला सेफ है। क्या कोई पुलिस आई है क्या? हाँ आ गया पुलिस, आ गया, डेड बॉडी लड़ गई। क्या कुछ कार्रवाई की है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं किया है। पुलिस ने आगे तो इनू से आ रहा था, तो एक बराबर में तम ट्रक आया और एक सीएनजी थी, तो उससे इसने साइड लेने की कोशिश की थी, इसकी वजह से आमने सामने से जो इसकी टक्कर हो गई, तो ये मौका पर ही इसने दम दे दिया। बाइक चालक है जी? बाइक चालक, बाइक चालक ना, सिंगल सवारी थी, बाइक चालक था, सीएनजी टेम्पो था और एक ट्रक था, ट्रक वाला भाग गया और टेम्पो यहीं खड़ा था, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। अरशद जहाना गांव का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 35-36 साल की होगी। कहां से आ रहा था ये? नूह से आ रहा था और गांव के लिए जा रहा था, और मैं एडजस्ट इसके पीछे ही था। ये एचपी पेट्रोल पंप के सामने अलवर रोड जी, किस तरह से हादसा हुआ है? ये टेम्पो पर बाइक का आमने सामने हुआ जी। मृतक का क्या नाम है, कहां से आ रहा था, कितनी उम्र है? जिसकी उम्र होगी लगभग 35 साल, 35-36 साल। ये नूह से आ रहा है शायद, नूह से आ रहा है और टेम्पो वहां साइड से आ रहा है और आमने सामने की टक्कर से ये हो जाए। क्या कोई इसमें घायल हुआ है जी? घायल भी हुई? नहीं घायल नहीं हुआ, एक ही बंदा था जो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई इसकी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।